हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बरेली की ब्लॉगर सोनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ये है सुबह सुबह का टाइम। आज बच्चों की छुट्टी है, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, तो नाश्ते में आई थी इमरती, जलेबी और रबड़ी। वो नाश्ता करने के बाद में फिर मैं यहाँ कमरे में आ गई थी बर्तन समेटने के लिए, कपड़े समेटने के लिए। कपड़े समेटा, डस्टिंग वगैरह करी है मैंने, और ये मैंने तोड़ी है चिड़ियों के लिए रोटी। तो चलो इन्हें छत पर ले जाके डालते हैं। और जैसे ही मैंने डालना शुरू करा था वैसे ही कौओं को आना शुरू हो गया था। कौआ पहले से ही छत पे बैठे थे, क्योंकि मैं रोज़ डालती हूँ तो उन्हें वो रहता है कि हाँ, तो सुबह से ही छत पे कौए आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दी है रोटी, ये देखिए ये आने शुरू हो गए हैं, आने शुरू हो गए हैं, ये देखो आप। और बहुत सारे आ जाते हैं, अभी तो एक ही दो दिख रहे हैं। मैं इतना सा डाल के आ गई थी नीचे, क्योंकि मुझे अभी बनाना था खाना। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता। उसके लिए मैंने बैंगन ले लिए हैं। मैं बैंगन को भून के नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे उसमें कीड़े का डर रहता है। कितना ही वो कर लो, लेकिन हम मुझे बहम रहता है ये कह लो। तो मैं भून के नहीं बनाती, इसे छील कर, काट कर और उबाल कर बनाती हूँ। तो उसी की कर रही हूँ मैं तैयारी। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं, ये आधा किलो बैंगन है, लहसुन है, प्याज है, अदरक है, हरी मिर्ची, टमाटर, ये सब ले लिया। ये सब काटा पीटी करके रखूँगी। और पहले तो मैं सबसे पहले बैंगन को छील के धो के काट के, यहाँ पे भी मुझे अभी बहन था वो मैं देख रही थी कहीं कुछ है तो नहीं इसमें। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और ज़रा सा सरसों का तेल। ये डालकर मैं इसे ढक कर, क्योंकि इसमें पानी छूटेगा, तो मैं इसे ऐसे ही हल्की आँच पर ढक कर पकने के लिए रख दूँगी। जब तक ये पकेगा इतनी देर में मैं टमाटर प्याज वगैरह को चॉप कर लूँगी। एकदम उन्हें महीन चॉप करना है। ये पक्का तैयार हो चुका है। और आज मैंने बनाई है उड़द की धुली हुई दाल। तो ये सामान भी चॉप कर ली, दाल भी मुझे फ्राई करनी है और भरता भी छौंकना है। बड़े छोटे डिब्बे में तेल ख़त्म हो गया था, तो मैंने बड़े डिब्बे से निकाला। इस डिब्बे में भी ख़त्म है अब, तो और बड़े वाले डिब्बे में से इसमें निकाल के रखूँगी। यहाँ मैं लहसुन काट रही हूँ। अब गैस जलाकर सबसे पहले हम लगाएंगे दाल में तड़का। दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने 2 तेज़पत्ते डाल दिए हैं। जब तेल गर्म हो गया, अब अदरक और लहसुन को मैंने दरदरा सा कूट लिया था वो डाला है। नहीं, पहले मैंने साबुत लहसुन को काटा हुआ था वो वाले लहसुन डाले थे। जब वो अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे तो मैं जो दरदरा लहसुन काट करके रखा है मैंने वो डालूंगी मैं। ये देखिए ये लहसुन हो रहा है फ्राई, इसमें हरी मिर्ची और तेज़पत्ता डाल दिया है मैंने। यहाँ बन रहा है ये दाल के लिए तड़का। और इसी के साथ मैंने 2 लौंग भी ऐड कर दी हैं इसमें, क्योंकि अब थोड़ा ठंड बढ़ने लगी है हल्की हल्की सी, और बच्चों के गले में खराशी वगैरह शुरू हो गई है। तो उसके बचाव के लिए, बाहर आवाज़ आ रही होगी आपको कुकर की, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि घर में तो ये सब होता ही रहता है, क्या किया जाए, कितना ही वो करो। और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, यह आप सबको पता ही है। तो जाहिर सी बात है कि मैं अपने खाने की और घर की ही संबंधित वीडियो दिखाऊँगी। हमारा बाहर आना जाना भी नहीं है कि चलो हम रोज़ घूमने जाएं, या हफ्ते में कहीं एक दिन बाहर जाते हों तो मैं आपको दिखा दूं कि मैं यहाँ गई वहाँ गई। सिर्फ मैके, मैके से घर, घर से मैके, बस इतना है हमारा आना जाना कहीं। तो वही, यही 2 जगहों की ही मैं आपको वीडियो दिखा पाऊँगी। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर भरते में तड़का, यानी कि भरते को बना रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले डाल दिया है, तेल गर्म हो गया तो जीरा, जीरे के बाद तेज़पत्ता। अब ये साबुत धनिया है, इसे हाथ से दरदरा कर लूँगी थोड़ा सा क्रश सा। अब इसमें वो डाला लहसुन, काली मिर्ची और लौंग है। जब वो हो गया तब फिर मैंने इसमें प्याज मिला दी है। प्याज को मुझे अच्छे से ब्राउन कर लेना है।
प्याज पीसने के बाद मैंने इसमें जो चॉप टमाटर थे वो भी ऐड कर दिए हैं। अब थोड़े बेसिक से मसाले डाल दूँगी, जैसे कि धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, मिर्च पाउडर है, जीरा पाउडर है और नमक। बस इतने ही मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी और इसे अच्छे से भून लूँगी जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता। जब ये तेल छोड़ देगा तो उसके बाद जो मैंने ये बैंगन उबाल के रखे हैं वो डाल दूँगी और नमक ज़रा सा ही डालिएगा क्योंकि हम नमक पहले डाल चुके हैं, इसलिए मैंने नमक थोड़ा सा डाला था। ये भून चुका है, अब इसमें मैंने डाल दिया है धनिया। और आज चावल नहीं बनाए थे क्योंकि मेरे उड़द की दाल से बच्चे चावल नहीं खाते, तो मैं और मेरे हस्बैंड थे तो ये कल रात के चावल रखे थे, तो मैं इसी को ही बॉईल कर लूँगी। तो ये लेंगे, इसके लिए मैंने कुकर में पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, उसको ढक दिया है। जब वो गर्म, इधर वो बोल रहे थे हस्बैंड की मेरी प्लेट लगा दो, तो दाल बैंगन का भरता और रोटी तैयार है, उधर पानी गर्म हो रहा है चावलों के लिए। तो जब तक मैं उन्हें ये खाना दूँगी तब तक चावल गर्म हो जाएंगे। कुकर का पानी गर्म हो गया, उस पर मैंने एक छलनी रख दी है, छलनी में मैंने डाल दिए हैं चावल और अच्छे से फैला के इन्हें अब मैं ढक कर इसे 5-7 मिनट के लिए पकने दूंगी। ये स्टीम में बहुत अच्छे से गर्म हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे हमने अभी अभी बनाए हैं, ये लगते ही नहीं है कि ये कल के चावल हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो को, ये लगता है कि ये कल के चावल है। और ये है मेरी भैया रामायण और कथा, ये वहाँ की गीत है। सर्वशक्ति च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महे कन्या कुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वराय नमो नमः। हरि जय हरे स्वामी जय जगदीश सारे बात जनो ये है प्रसाद। आइए अभी खा लीजिए, तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।